बर्गर चार लेबर कोड वापस लो, मजदूर विरोधी चार लेबर कोड वापस लो, 53 अपराधी कानून वापस लो, जन विरोधी 3 अपराधी कानून वापस लो, जन विरोधी 3 अपराधी कानून वापस लो, 3 पत्र जन विरोधी 3 अपराधी कानून वापस लो, पहलेदारी प्रथा रद्द करो, पहलेदारी प्रथा रद्द करो, समान काम समान वेतन की नीति लागू करो, समान काम समान वेतन की नीति लागू करो, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। कॉमरेड्स, ये हमारा संयुक्त ट्रेड यूनियन चार लेबर को रद्द करो, लॉकडाउन से जूझ रहा था फिर देश के हजारों लाखों लोग, जब हजारों लाखों लोग कोविड लॉकडाउन के दौरान जब रोजगार के लिए अपने आवास के लिए हजार हजार किलोमीटर तय करके अपने घर वापस लौट रहे थे, तो मोदी सरकार ने आप 3700 लोग शहादत हुए। जेडीएन की तरफ से लगातार आंदोलन है, नियमों के बावजूद, नियम बनाने के बावजूद सरकार की हिम्मत नहीं हुई, आज एक और नया कानून लाई जिसमें जो है संसद के जो विपक्षियों को बाहर फेंक कर उसने एक नया कानून पास किया जिसे हम लोग 3 आपराधिक कानून बोलते हैं। 3 कानून पास किए, इस 3 आपराधिक कानून कहने के लिए तो इनका यह था कॉलोनियल कानून से भी ज्यादा खतरनाक है। हम इस मन से इन तमाम चीजों का विरोध करते हैं। 2023 में हम लोगों ने प्रदर्शन किया इसी मंच पे के जरिए से इसी जगह, इसके खिलाफ हड़तालें हुई, देश भर के मजदूरों ने इसके खिलाफ प्रदर्शन किया। कोर्ट रद्द करो, 3 आपराधिक कानून वापस लो, 3 आपराधिक कानून वापस लो, 3 आपराधिक कानून वापस लो, पहलेदारी प्रथा रद्द करो, पहलेदारी प्रथा रद्द करो। एएफटी से कॉमरेड पी के शाही, मजदूरों के नीम के अंदर में उस कानून को लागू करें, लेकिन मोदी सरकार ने बढ़िया कानून कोई खराब भी नहीं दी थी, इस कानून के लिए भी मजदूरों को बहुत सारी कुर्बानियां देनी पड़ी, उस कुर्बानी के बाद ही यह कानून लागू हुआ था, लेकिन उस कानून को भी सबसे